इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है। देश में अब तक नए स्ट्रेन के 20 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बाकी पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने यूपी की उड़ान सेवाओं पर 7 जनवरी तक रोक लगा दी है। पहले यह रोक 31 दिसंबर तक थी। यह रोक यूके जाने व आने वाली दोनों उड़ानों पर प्रभावी रहेगी। बुधवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने यह जानकारी दी है। यूपी के मेरठ में नए स्ट्रेन का मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिस तरह के इंतजामात व निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि स्थिति पूर्णतः नियंत्रित है और इसे फैलने से हर हाल में रोका जाएगा। ब्रिटेन से बाहर आया यह नया वायरस लोगों को दहशत में डाले हुए है। कल शाम मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के लल्लापुरा में ब्रिटेन से 14 दिसंबर को आए परिवार में 2 वर्षीय में नए स्ट्रेन का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में नए स्ट्रेन का यह पहला मामला होने के कारण लखनऊ व पंचमतल ने भी इसे गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इसे गंभीरता से लेने व रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बारे में मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी ने यह जानकारी दी। ये यूके से वापस आए कुछ परिवारों को सैंपलिंग किया गया था, उसमें एक जो पॉजिटिव हुए थे उनमें से यूके का जो स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है, वो पाया गया है। और सारे लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, स्टेबल है। और उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी ट्रेस करके हम लोगों ने टेस्ट कर दिए हैं। सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से स्थिति पर निगरानी रखी है और बिल्कुल इसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। आज फर्स्ट बाइट संवाददाता व मीडिया को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि यह स्ट्रेन के कोई लक्षण दिखने में नहीं आ रहे हैं। सभी संक्रमित लोगों को अलग से रखा गया है और निर्धारित प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह जानकारी भी दी। जितने भी लोग यूके से यहाँ पे आए थे, सब लोगों को मानक अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। इसके अंदर प्रिकॉशन वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क, 3 ही मूल मंत्र हैं। इससे बचने के लिए भी कोई अलग नई चीज़ है। और जितने भी लोग यहाँ पे इंग्लैंड से आए हैं वो सब सिम्टम फ्री हैं, किसी भी दिन में कोई सिम्टम या लक्षण नहीं है।